के साथ। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पीके तिवारी ने आज मंगलवार को मैदागिन स्थित परांकर भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि राष्ट्रीय विकास मंच योजन सभा के जिलाध्यक्ष विक्की सैनी को रोहनिया विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। डॉक्टर पीके तिवारी ने बताया कि पार्टी के पदाधिकारी विक्की सैनी को, जो कि माली समाज से हैं, माली समाज अत्यंत पिछड़ा है और भारत के किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी पार्टी ने समाज के उत्थान के लिए माली समाज से विक्की सैनी को रोहनिया विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। तो हमारे सुरक्षित सीटें हैं, अभी राष्ट्रपति वनवासी को दिया गया अजगरा विधानसभा से, और सेवापुरी से अभी प्रेस वार्ता नहीं हुआ है, तो हमारे वकील साहब हैं संतोष चौबे जी को, रोहनिया विधानसभा से विक्की सैन जी को दिया गया है। विक्की एक किरण की तरह नवयुक्ता है, नवयुवक है, जो आजकल का भविष्य है, सूरज की तरह चमकता है। आज उनको हम इसलिए टिकट दिए हैं कि ये अपने भविष्य में कुछ बने। इनकी माँ की तमन्ना थी कि हमारा बेटा विधायक कुछ कर चुके गुजरे, तो ये इनकी माँ के आशीर्वाद से इनकी माँ ने हमसे कहा कि हमारे बेटों को चुनाव लड़ा दीजिए। क्या लगता है, चुनाव जीता देंगे? देखिए, ये तो वक्त और समय बताएगा, हम टक्कर जरूर दें। इस अवसर पर उपस्थित विक्की सैनी ने बताया कि रोहनिया विधानसभा से टिकट पाकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पीके तिवारी को आश्वस्त करता हूं कि मैं पूरी तन्मयता से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कदम से कदम मिलाकर इनके साथ चलूंगा। सच के साथ।